नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बनाएंगे वनटक्स ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल है। और साइज है 35 चेस्ट होगा, 31 कमर होगी। और स्लीव्स हमारी 4 है, और स्लीव्स के जो बॉटम्स है वो है 11 इंच, और जो नेक हमारी है वो 5-5 है। आगे की जो नेक है, गला है, वो 5.5 है, और बेक साइड का है 7 इंच है। तो मैं आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग दोनों बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके में आप अपने घर बैठे इसको आराम से कटिंग कर पाओगे, और साथ ही साथ में स्टिचिंग भी आपको जो मोस्टली है वो मैं बता दूंगी। इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल में बहुत अच्छी अच्छी ट्यूटोरियल मिलने वाली है। और अभी छुट्टियों का समय है, तो आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए और हमारी वीडियोज अगर आपके समझ में आ रही हो तो बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। जो भी आपको अच्छी लगे वीडियोज उन्हें आप वॉच करें, शेयर करें। तो आइए कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो देखिए, मेरे पास लाइनिंग का कपड़ा है और ये हमारा ब्लाउज पीस है। इन दोनों की कटिंग करने से पहले मैं आपको पेपर पे इसकी कटिंग बताऊंगी। पेपर पे कटिंग करने के बाद मैं आपको कपड़े पे इसकी कटिंग बता दूंगी। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं पेपर पे अपनी फर्मा कटिंग। यहाँ पे मुझे 35 साइज के लिए 13.5 इंच तैयार ब्लाउज चाहिए। तो बेक साइड के लिए मैं 14 इंच ले रही हूँ, ठीक है। 14 इंच लेंथ ली है, यानी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पे हम वन टक्स हैं, और हमारी जो नेक है बेक साइड की वो है सिर्फ 7 इंच, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो शोल्डर ले रहे हैं वो ले रहे हैं 5.25 इंच, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम यहाँ से लेंगे जो नेक की जो विड्थ होगी हमारी, वो हम लेंगे यहाँ पे 2.5 इंच, ठीक है। यहाँ पे बेक साइड का पार्ट्स कटिंग कर रहे हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आर्म होल लेंगे हम 6.25 इंच, चेस्ट लेंगे हम 35 का 4th पार्ट 9.5 इंच, ठीक है। बेक साइड का जो राउंड शेप लगाएंगे वो हम लगाएंगे 1/2 इंच का। बेक साइड का जो नेक है वो लेंगे हम 7 इंच का। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे बेक साइड का एक स्टेप कम्प्लीटली। यहाँ पे 1/4 इंच का शेप लगाते ही, ये मैंने 1/4 इंच का शेप लगा दिया है, और ये टोटल था हमारा 6.25 इंच का राउंड शेप आर्म होल, और ये 1/4 इंच का है शेप। तो ये जो मैं शेप लगा रही हूँ वो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब हम बेक साइड का पार्ट्स कटिंग करते हैं, जो शेप जो स्टार्ट करते हैं वो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, और जो आगे का शेप लगाते हैं हम वो हाफ सेंटर से लगाते हैं। तो आगे का शेप जो होता है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला शेप, और जो ये बेक साइड का शेप है वो ऊपर से स्टार्ट्स करते हैं। स्टार्ट से करते हुए फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शेप लगाते हुए यहाँ पे गोलाई देते हुए, और आप इसको ऐसे हाथ से शेप लगा दीजिए। अब आप यहाँ पे अपनी जो मार्जिन है वो ले लीजिए, चाहे आप 1.5 इंच का मार्जिन ले, चाहे आप 2 इंच का मार्जिन ले। तो इस ब्लाउज के लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। आप चाहे तो 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप वो अपने आपके फैब्रिक के हिसाब से, डिजाइंस के हिसाब से आप लेंगे। यहाँ पे कमर हमारी 31 है, तो 31 का 4th पार्ट होता है यहाँ पे 8.5 इंच, और डाट के लिए हम लेंगे 0.5 इंच, तो ये हो गया 8.5 इंच। 8.5 पे पॉइंट लगा दिया है, फिर 1.5 इंच का हम यहाँ पे लेंगे मार्जिन। अब हम दोनों लाइंस को, ये फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन में मिलाएंगे ऐसे, और ठीक इसी तरह मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन में मिला देंगे। ये हो गया है। अब आप बेक साइड की यहाँ पे डार्ट भी लगा दीजिए, आपका बेक साइड पार्ट्स जो है कम्प्लीटली हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 35 इंच है चेस्ट, तो यहाँ पे 3.5 इंच पे बेक साइड की डार्ट लगाएंगे, और वो डार्ट की लेंथ हम लेंगे 4 इंच की। तो ये हो गया 4 इंच की। डार्ट की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो लेंगे हम 0.5 इंच की। तो इसको क्या करते हैं कि ये यहाँ से और यहाँ तक, फिर यहाँ से और यहाँ तक, ये टोटल हो गया है 0.5 इंच। ये 1/2 इंच का है, ये 0.5 इंच का पॉइंट है, तो ये टोटल 0.5 इंच की हो गई ना हमारा डार्ट। तो अब आप देख सकते हैं इसको हमने यहाँ पे कवर्ड कर लिया है। ये हमारी बिग साइड पार्ट्स कम्प्लीटली तैयार है। जैसे हमने ड्रॉ किया ना, नेकलाइन कटिंग करेंगे, ये वाली शेप लाइन कटिंग करेंगे, फिर ये राउंड शेप कटिंग करेंगे आर्म होल का, फिर ये मार्जिन लाइन कटिंग करेंगे। टोटल पार्ट्स बिल्कुल ऑलरेडी परफेक्ट कटिंग हो गई है बेक साइड की। बेक साइड पार्ट्स को कटिंग करने के बाद आपको आगे के पार्ट्स के लिए इसकी ड्राइंग करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको यहाँ से आगे से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, ये देखिए एक्स्ट्रा रख लिया है। और अब इसकी यहाँ पे ड्राइंग कर लेते हैं बराबर में। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी ड्राइंग कर ली है।
अब हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम नेक की ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारा आगे का नेक है 5.5 इंच, ये मैंने 5.5 पे पॉइंट लगा दिया है। नेक की विड्थ हमने लिया है 2.5 इंच की, तो ये मैंने 2.5 पे पॉइंट लगा दिया है। इस प्रकार से हम नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा नेक यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। इसके बाद हम आर्म होल को सही करेंगे। तो आर्म होल हमारी कहाँ से होनी चाहिए, 5.5 इंच पे, सॉरी 5.25 इंच पे होनी चाहिए। तो ये मैंने 5.25 का पॉइंट लगा दिया है और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेट लगा दूंगी। तो मैंने इसको यहाँ पे स्ट्रेट लगा दिया है और ये पूरा 6 इंच पे है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे का जो शेप होता है ना वो लगा लेंगे। तो देखिए आगे का शेप हमें कितना लगाना है, ये हमारा 5.25 इंच का था, आगे का हम यहाँ पे 5.25 इंच का लगा रहे हैं। तो ये हमारा 5.25 इंच हो गया है और इसको हम हाफ सेंटर तक रखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हाफ सेंटर है और इस प्रकार से आप आगे का शेप लगा लीजिएगा। हर एक की कटिंग में ऐसे ही होता है, आगे और पीछे का जो ये आर्महोल का शेप होता है, आप कोई सी भी साइज की ब्लाउज की कटिंग कर लीजिए, ये जो हमारा राउंड शेप होता है वो यही ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा राउंड शेप आगे का पार्ट्स का है और ये हमारा बैक साइड का पार्ट्स का है। अब आप 2 इंच का पार्ट्स नीचे की क्रॉस पट्टी के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ से यहाँ तक ये मैंने 2 इंच को क्रॉस पट्टी में के लिए छोड़ दिया है। एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। यहाँ से 1.75 का एक पॉइंट लगाएंगे, यह 2.25 इंच का, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। इस पॉइंट को हम नेक लाइन में फिक्स ऐड कर लेंगे। तो इसको आपको ऐसे यहाँ पे नेक लाइन पे मिला लेना है। ये हमारी वन टक्स का मेन पॉइंट होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1 इंच ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे, ये हमारा 1 इंच का हो गया है और वैसे ही इस तरफ भी 1 इंच का लगा दिया है। यहाँ से हम टक्स लेंगे चेस्ट का 10वां भाग, यो गया 3.5 इंच का, ठीक है। और ऊपर से हमारी टक्स होगी 9.25 इंच की, यो गया। अब आप इसको यहाँ पे इतना लगा दीजिए और ये जो आपने 1 इंच लिया है इसको भी आप ऐसे स्ट्रेट में लगा लीजिए, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाएंगे और इस पॉइंट को हम इस पॉइंट में मिला देंगे, हो गया है। अब हम यहाँ पे 5.25 इंच की टक्स लेंगे और इस तरफ 34 के अकॉर्डिंग 5.25 इंच की टक्स लगाएंगे। इनको हम इस प्रकार से मिला देंगे ऊपर सेंटर पॉइंट में, ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा और इसमें आप ऐसे मिलाएंगे और इस पॉइंट को भी आप ऐसे मिला देंगे, हो गए हैं। अब आपको चेक करना है इस पॉइंट की लेंथ कितनी है। इस पॉइंट की हमारी टोटल लेंथ आ रही है 4 इंच और इस पॉइंट की जो लेंथ आ रही है वो है 4.25 इंच। तो आपको क्या करना है, इसको भी 4.25 इंच में बराबर बना देना है। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। अब आप इस पॉइंट को इस प्रकार से इसको आप ड्रॉ करेंगे और इस तरह से इसमें मिला देंगे। तो ये आपकी जो ओरिजिनल है वो टक्स होगी यहाँ से इस प्रकार से होते हुए। और अब आप देख सकते हैं यहाँ से आपको ऐसे चलना है। तो ये आपकी ओके टक्स होगी। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे इसको कैसे कट करना है और इसकी जो नीचे की क्रॉस पट्टी होगी उसको भी हमें कैसे कटिंग करना है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया है ऊपर का पार्ट्स, हमारा 1 टक्स का पार्ट यहाँ पे ओके हो गया है। जैसे ड्रो किया हुआ ना, ये वाला नेक लाइन और ये वाली आर्म होल शेप और ये वाली मार्जिन लाइन कट कर लें। तो ये हमारा पार्ट्स कटिंग हो गया है, ठीक है। अब हम आपको नीचे की क्रॉस पट्टी कटिंग करना बताएंगे। क्रॉस पट्टी की हमारी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 6 इंच हमारी आर्म होल साइड और 5 इंच की हो गई, 6 और 5 हो गई है 11 इंच। टोटल हमें चाहिए अपने ब्लाउज की जो लेंथ तैयार चाहिए वो है 13 और जो सिलाई के लिए चाहिए वो एक्स्ट्रा लेंगे।
तो ये हमारी 11 इंच का ऊपर का पार्ट्स होगा। अब हमें 1 इंच सीम का चाहिए और 2 इंच हमारे नीचे की क्रॉस पट्टी चाहिए, तो हमें 3 इंच की क्रॉस पट्टी यहाँ पे कटिंग करनी होगी। तो आइए जो 3 इंच की क्रॉस पट्टी है उसको हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 इंच की एक आप ऐसे पॉइंट लगा दीजिए इस तरफ भी, इसमें आपकी सीम भी ऐड हो जाएगी और इस तरफ भी। ये हमने 3 इंच की ऐसे पट्टी डायरेक्टली बना ली है। और इसके बाद आप राउंड शेप देने के लिए 1 इंच इस तरफ और फिर 1 इंच इस तरफ, और फिर ये जो आपका मिडिल सेंटर होगा इस तरह से आपको इसको ऐसे राउंड शेप देते हुए, ऐसे मैंने इसको राउंड शेप दे दिया है और इस तरह से फिर इस तरफ भी मैं इसको ऐसे राउंड शेप दे दूंगी। ये हमारे नीचे की जो है वो क्रोश पट्टी हो गई है। इसकी लेंथ कितनी होगी वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आपको इसकी जो लेंथ है वो कितनी चाहिए। तो ये हमारी नीचे की क्रोश पट्टी है इसकी, ठीक है। अब हमें कमर का, कमर है हमारी 7.5 इंच, ये हो गया 7.5 31, और इसके बाद क्वार्टर इंच सीम का 8 इंच, उसके बाद में 2 इंच यानी 1.5 इंच मार्जिन लिया तो 1.5 इंच। इस प्रकार से हम इसकी यहाँ पे कटिंग करेंगे और ये हो गया है साइड की, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमारी यहाँ पे ऐसे स्टिचिंग होगी इसकी नीचे की क्रॉस पट्टी की। अब हम इसको कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी फर्मा कटिंग के अकॉर्डिंग ब्लाउज पीस पे कटिंग कर ली बिल्कुल बराबर में। ये है वन टक्स ब्लाउज का ऊपर का पार्ट, ये है नीचे की क्रॉस पट्टी, ये हमारा बैक साइड पार्ट्स और ये हमारी ब्लाउज का पार्ट्स और ये हमारा साड़ी का फैब्रिक है, यानी ब्लाउज का फैब्रिक है और साड़ी का कपड़ा है। तो हमने लाइनिंग के पार्ट्स को कटिंग कर लिया बिल्कुल बराबर में, जैसे मैंने फर्मा कटिंग की है वैसे ही। जो भी सिलाई के लिए एक्स्ट्रा चाहिए था वो मैंने क्रॉस पट्टी में ले लिया है, ठीक है। अब हमारे पार्ट्स बिल्कुल बराबर है, ओके है। हम आपको इसकी स्टिचिंग की फुल ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, उसमें आपको कटिंग के साथ स्टिचिंग दोनों मिलेगी। यहाँ पे मैं बस इतना ही, और अगर आप बस ये एक सिलाई लगा करके और नीचे की क्रॉस पट्टी इसमें जॉइंट कर लीजिए, बस यही है। जैसे हम बेल्ट की 4 सिलाई करते हैं, इसमें आपको ये एक सिलाई लगानी होगी 1.25 इंच की, इस तरफ 1.25 इंच, ये 1.25 इंच, ये मिडिल सेंटर है। तो ये एक सिलाई कर लीजिए आप और उसके बाद में आप इसको जॉइंट कर लीजिए। मुझे अभी इसको कपड़े पे कटिंग करना है, फिर मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया है कटिंग का तो लाइक करें, और नेक्स्ट स्टिचिंग की वीडियो बनते ही मैं इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। तो थैंक यू।